वेलकम, स्वागत करते हैं आप सब लोग का एक और शानदार मैच में। यहाँ पर खुटोली मैदान पर होता हुआ यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से मैच चलता हुआ। टीमों के बारे में बता दो, एक तरफ फरसा बेड़ा है ग्रीन जर्सी में और दूसरी तरफ हेलनपुर की टीम है। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है यहाँ पे मैच शुरू हुए और फरसा बेड़ा की तरफ से अभी शॉट लेते हुए आरजे, और देखना होगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार उमदा शॉट लेते हुए प्लेयर्स, बहुत ही बढ़िया सामने से हेलनपुर के प्लेयर्स टैकल करते हुए बहुत ही शानदार। कैप्टन जेडी के पास बॉल और देखना होगा इस बॉल का क्या नतीजा निकल पाते हैं, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई वहाँ पर, और बहुत ही शानदार बहुत ही उमदा गेम प्ले वापस से वहाँ पे हैंड पास करते हुए हेलनपुर के खिलाड़ी और बॉल बाहर जाते हुए, बहुत ही बढ़िया वापस से अजीत की तरफ से शॉट, उतना ही प्यारा देखना होगा यहाँ पर, बहुत ही प्यारा यहाँ पे बचाते हुए बॉल को बहुत ही शानदार तरीके से परवीन की तरफ, फरसा बेड़ा के प्लेस वहाँ पे बैक फ्लिप पर मौजूद, देखना होगा बहुत ही शानदार आती खिलाड़ी को वहाँ पे पास आउट करते हुए कृष्णा को और लेके जाते हुए बॉल को वापस से वहाँ, देखना होगा बहुत ही शानदार गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम के दरमियान और बहुत ही बढ़िया बहुत ही आनंदमय गेम चलता हुआ पहला हाफ हेलनपुर और फरसा बेड़ा के बीच में यहाँ पर चलता हुआ मैच बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बढ़िया। वापस से वहाँ पर हेलनपुर की तरफ से हैंड पास करते हुए देखना होगा बहुत ही बढ़िया हेलनपुर के पास बॉल, बहुत ही शानदार गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम्स के दरमियान। वापस से फरसा बेड़ा और दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के बीच में छीना झपटी चलता हुआ वहाँ पर हेलनपुर के पास बॉल और वापस से वहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स ने टैकल करते हुए बॉल को, देखना होगा बहुत ही शानदार बहुत ही उमदा दर्शन चलता हुआ यहाँ पर दोनों ही। वापस से हेलनपुर के प्लेयर्स बॉल के पीछे बॉल को दौड़ाते हुए जाते हुए, लेकिन वहाँ पर फरसा बेड़ा के प्लेयर्स ने बॉल को बाहर करते हुए वहाँ पर बहुत ही उमदा बहुत ही शानदार वापस हैंड पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को और छिनके लाते बहुत ही प्यारा, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर हेलनपुर को यहाँ पर कॉर्नर शॉट मिलता हुआ। और इस कॉर्नर शॉट का कितना भरपूर, बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार बहुत ही प्यारा, ओ हेड टैकल करना चाह बहुत ही प्यारा बैक फ्लिप लेना चाहते थे हेलनपुर के प्लेयर्स, बहुत ही शानदार, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए। वापस यहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर आरजे की तरफ से शॉट लेंगे, बहुत ही उम्दा बहुत ही प्यारा शॉट और बॉल सेंटर से वापस से वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स के बहुत ही शानदार टैकल, लेकिन उतना ही जवाब बहुत ही बढ़िया वापस से वहाँ पे हेलनपुर के पाले में बॉल, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापस से शॉट लेते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ से फरसा बेड़ा के प्लेयर वहाँ पे टैकल करते हुए बहुत ही शानदार हेलनपुर के तरफ से वापस से टैकल कर फरसा बेड़ा के तरफ से शॉट, देखना होगा यहाँ पे गोल हो सकता है, लेकिन उतना ही शानदार हेड चेस करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स ने बॉल को सेंटर की तरफ ढकेलते हुए, देखना होगा साथी खिलाड़ी को पास आउट करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स और अपने साथ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। वापिस से वहाँ पे देखना होगा क्या सीन होता, बहुत ही उमदा गेम प्ले चलता हुआ वापिस से वहाँ पर रोशन की तरफ से बहुत ही शानदार वहाँ पीछे से शॉट दिया और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे बैक फ्लिपर के पास बॉल और छिकते छिकाते हुए वहाँ पे बॉल को लेके जाते, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापिस से यहाँ पे हेलनपुर को हैंड पास मिलता हुआ और अपने साथी खिलाड़ी को हैंड पास करेंगे और बहुत ही उम्दा बहुत ही प्यारा वहाँ पे हैंड पास करते हुए साथी खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया, लेकिन फिर से यहाँ पर हैंड होता हुआ और फरसा बेड़ा को फिर से यहाँ पर एक शॉट लेने का चांस मिलता हुआ फ्री किक, और देखना होगा फरसा बेड़ा की तरफ से मीलू की तरफ से वहाँ पे उतना ही प्यारा हेड टैकल करते हुए वहाँ पे कृष्णा, बहुत ही शानदार देखना होगा हेलनपुर के खेमे बॉल और इस वक्त बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम्स के दरमियान, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापिस से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से हैंड पास करते हुए बॉल और बहुत ही उमदा बहुत ही शानदार, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापिस से फरसा बेड़ा की तरफ से बॉल हैंड पास करते हुए और वो वापिस से वहाँ पे हेलनपुर के तरफ से शॉट अपने साथी के लड़के पास और देखना होगा चालाकी से वहाँ पे छेकने की कोशिश और वहाँ पे सुबह हल्के से गिरते हुए, लेकिन अजीत के तरफ से वापिस से बाहर की ओर ढकेलते हुए बॉल, सो वापिस से यहाँ पे हेलनपुर के तरफ से बॉल पास किया जाएगा अपने साथी खिलाड़ी को हैंड पास और देखना होगा क्या सीन हो पाता फरसा बेड़ा के पाले में बॉल इस वक्त और हेलनपुर के वापिस से फरसा बेड़ा की तरफ से शॉट देते हुए वहाँ पे आरजे, बहुत ही शानदार लेकिन उतना ही प्यारा यहाँ पे तरसिस के तरफ से शॉट गोलकीपर फरसा बेड़ा, उतना ही प्यारा बैक फ्लिप शॉट देते हुए लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पे बैक फ्लिपर की तरफ से और हेलनपुर को वापिस से वहाँ पर हैंड पास करने के मौका मिला और देखना होगा इस बहुत ही प्यारा चेस्ट होल्ड करते हुए वापिस से ओ लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर वापिस से यहाँ पे फरसा बेड़ा की तरफ से शॉट लेने के लिए प्लेयर थे बहुत ही उम्दा साइड में कॉर्नर साइड में जाता हुआ वहाँ पे बैक फ्लिपर मौजूद फरसा बेड़ा के प्लेयर्स ओ लेकिन वहाँ पे मिस करते हुए कोई बात नहीं, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए और वापिस से अपने साथी खिलाड़ी हेलनपुर की तरफ से शॉट, लेकिन हेड टैकल करते हुए परवीन की तरफ से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ बॉल बाहर, वापिस से वहाँ पे हैंड पास करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स और बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम्स के दरमियान और देखना होगा दोनों ही टीम्स के बीच में क्या सीन हो पाता है, बहुत ही बढ़िया
दूसरा राउंड है यहाँ पर, जो भी टीमें यहाँ पे जीतेंगे वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी। जो सिमडेगा खुट्टी डोली के कमेटी के द्वारा करवाते हुए यहाँ टूर्नामेंट बहुत ही उम्दा, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर वापस से फरसा बड़े प्लेयर शॉट लेते हुए बहुत ही शानदार और उतना ही प्यारा वहाँ पे। लेकिन देखना होगा यहाँ पे क्या हुआ, अंपायर की विसल के साथ ही यहाँ पे रुका गेम और फरसा बेड़ा के प्लेयर्स को यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ और शायद हैंड हुआ है और जिसके वजह से यहाँ पे देखना होगा चांस बनता है फरसा बेड़ा के प्लेयर्स। सो वापस से वहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स आरजे की तरफ से शॉट लेने के लिए तैयार और बहुत ही उम्दा, देखना होगा बहुत ही शानदार। ओ वहाँ पे रुकते, वन स्टेप रुकते हुए प्लेयर्स बहुत ही शानदार और शानदार गोल करते हुए यहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले अपना दिखाते हुए फरसा बेड़ा के प्लेयर्स जो एक गोल करते हुए वहाँ पर बहुत ही उस फ्री किक का बहुत ही शानदार यहाँ पे फ़ायदा उठाते हुए फरसा बेड़ा के प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा गेम प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर। और हेलनपुर को भी और भी ज़्यादा कोशिश करना होगा इस मैच में अगर बने रहना है तो, बराबरी करना होगा तो। और वापस से सेंटर से गेम शुरू होता हुआ बहुत ही उम्दा, वापस से यहाँ पे अजीत के तरफ से शॉट और सुबोध के तरफ से टैकल करते हुए वापस से बैक फ्लिपर के पास में बॉल और देखना होगा क्या सीन हो पाता है। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ बहुत ही शानदार, लेकिन बाहर जाती हुई हेलनपुर के प्लेयर्स को टच करके बॉल और वापस से वहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ शॉट और देखना होगा बहुत ही उम्दा चांस। ओ लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से हेलनपुर की तरफ से शॉट, उतना ही प्यारा हेड चेस करते हुए यहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स बैक फ्लिपर के पास बॉल, बहुत ही उम्दा शॉट और कृष्णा मौजूद हैं वहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स, देखना होगा बहुत ही उम्दा वापस से वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ शॉट, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई वहाँ पर और जिसके कारण फरसा बेड़ा को यहाँ पे हैंड पास करने का मौका मिलता हुआ और 14 नंबर प्लेयर्स अजीत के तरफ से यहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे वापस से हैंड पास करते हुए बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ पहला हाफ समाप्त होता हुआ यहाँ पर और पहले हाफ में और बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार गेम चलता हुआ दोनों ही टीम्स के दरमियान। सो स्वागत करते हैं आप सब लोग का दूसरे हाफ में और दूसरे हाफ का गेम शुरू होता हुआ यहाँ पे हेलनपुर की तरफ शॉट, बहुत ही उम्दा बैक कवर करते हुए यहाँ पे फरसा बेड़ा उतना ही प्यारा जबरदस्त वापस से शॉट देते हुए बहुत ही शानदार और देखना होगा यहाँ पे चांस बनता हुआ और वापस से वहाँ पे राज की तरफ से बहुत ही शानदार आरजे की तरफ बहुत ही प्यारा है टैकल करते हुए बॉल को बैक फ्लिपर के पास पहुँचाते हुए अपने साथी खिलाड़ी के पास और देखना होगा दोनों ही टीम के बीच में दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही शानदार वहाँ पे प्रदर्शन करते हुए और वापस हेलनपुर के पास में बॉल और बॉल को वापस से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से सेंटर तरफ ढके आरजे कैप्टन यहाँ पे बहुत ही शानदार, देखना होगा क्या सीन हो पाता है। बहुत ही बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स 15 नंबर और 16 नंबर वापस से बहुत ही स्पीड से दौड़ते हुए फरसा बेड़ा के प्लेयर्स बहुत ही उम्दा अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट करने की कोशिश मिलू की तरफ से वहाँ पे देखना होगा दोनों ही तरफ से ओ लेकिन यहाँ पे चांस बनता हुआ ओ बहुत ही प्यारा वहाँ पे वापस से ढकेलते हुए बॉल और बहुत ही शानदार तरीके से देखना होगा दोनों ही टीमों के बीच वापस से लेकिन देखना होगा हेलनपुर के खेमे बॉल और यहाँ पे चांस बनता है गोल करने का बहुत ही शानदार तरीके से लेकिन ओ यहाँ पे मिस आउट हेलनपुर के प्लेयर्स और बहुत ही शानदार कॉर्नर पर जा पे लेकिन बॉल बाहर जा भेजते हुए वहाँ पर और वापस यहाँ फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से हैंड पास करते हुए बॉल उतना ही प्यारा वहाँ पे हेलनपुर की तरफ से हैंड टैकल करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कृष्णा के पास बॉल और बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पे हैंड चेस किया लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापस से गेम शुरू होता हुआ वापस यहाँ पे फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ शॉट और देखना होगा दोनों ही टीम्स के बीच वापस से वहाँ कैप्टन अनूप के पास बॉल बहुत ही उम्दा बहुत ही शानदार लेकिन चांस बनता हुआ लेकिन देखना होगा यहाँ पे दोनों ही टीम्स के दरमियान लेकिन बॉल बाहर जाती हुई रोशन की तरफ से यहाँ पे वापस से वहाँ पे बहुत ही शानदार देखना होगा बहुत ही प्यारा हेड चेस करते हुए देखना बहुत ही शानदार हेड टू हेड फाइट चलता हुआ बहुत ही बढ़िया हेलनपुर की तरफ से हेड टैकल करते हुए बॉल को वो बैक फ्लिपर की तरफ से बैक फ्लिप शॉट और बहुत ही शानदार देखना होगा यहाँ पे क्या सीन हो पाता है लेकिन उतना ही बढ़िया उतना ही वापस से वहाँ पे ढकेलते हुए सेंटर की तरफ बॉल और हेलनपुर के प्लेयर्स आते बहुत ही शानदार लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर वापस हेलनपुर की तरफ से हैंड पास करते हुए बॉल लेकिन फरसा बेड़ा के प्लेयर मिल रेड के पास बॉल और वापस से बैक फ्लिपर के पास बॉल जाती हुई अपने साथी खिलाड़ी के पास देखना होगा बहुत ही शानदार गेम प्ले उम्दा गेम प्रदर्शन दिखाते हुए बैक फ्लिपर अपना ओवर लेकिन बॉल खैर बाहर जाते हुए वहाँ पर बहुत ही अभी इतना भीड़ नहीं है सो इस साइड भी काफ़ी प्ले पर्सन देखने के लिए बैठे हैं। सो पहला मैच सेकेंड राउंड का और बहुत ही बढ़िया वहाँ पर गेम प्ले चलता हुआ और देखना होगा यहाँ पर क्या सीन हो पाता बहुत ही शानदार ओ कैप्टन यहाँ पे देखना होगा मिस आउट करते हुए यहाँ पे बहुत ही शानदार
और लेकिन बॉल को वापस उप कप्तान के पास, बॉल यहाँ पर और वापस सेंटर तरफ बॉल आते हुए, लेकिन वहाँ पे मिस आउट करते हुए फरसाबेड़ा के प्लेयर्स बहुत ही अच्छा, लेकिन बैक फ्लिप पर यहाँ पे जूझते हुए अपन टीम के प्लेयर्स हेलनपुर के प्लेयर्स के साथ में, और बहुत ही शानदार जबरदस्त वहाँ पे बैक कवर करते हुए बैक फ्लिपर की तरफ से, और उतना ही शानदार उमदा प्रदर्शन करते हुए वापस से हेलनपुर के 10 नंबर प्लेयर अपने साथी खिलाड़ी को यहाँ पे हैंड पास करते हुए बहुत ही शानदार तरीके हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ से, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उतना ही जबरदस्त आरजे की तरफ से नी होल्ड करते हुए वापस से यहाँ पे अजीत की तरफ से शॉट देते हुए और सेंटर तरफ बॉल जाती हुई, देखना होगा दोनों ही टीम्स के दरमियान बहुत ही शानदार यहाँ गेम प्ले चलता हुआ, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापस से आरजे की तरफ शॉट, बहुत ही उमदा, बहुत ही बेहद, उतना ही प्यारा यहाँ पे उप कप्तान, दोनों ही कप्तान की तरफ से बहुत ही शानदार प्रदर्शन चलता हुआ, और परसाबेड़ा ओ यहाँ पे हल्के से गिरते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन वापस से शॉट देते हुए वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स, उतना ही प्यारा परसाबेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से हेड टैकल करते हुए बैक फ्लिप पर फिर से वहाँ पर बहुत ही शानदार वापस से 4 नंबर प्लेयर परसाबेड़ा के प्लेयर्स के पास बॉल, और जूझते हुए वहाँ पे दौड़ाते हुए, लेकिन हल्का सा अपना बैलेंस बिगड़ा, ओ लेकिन बाहर जाते हुए बॉल, परसाबेड़ा के प्लेयर्स सुबोध की तरफ से अच्छा शॉट था, लेकिन बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं होने के कारण से बॉल बाहर जाते हुए वापस से हेलनपुर की तरफ से शानदार शॉट, और साथी खिलाड़ी रोकने में नाकाम रहे, लेकिन परसाबेड़ा के प्लेयर्स आरजी की तरफ से वापस से हेलनपुर के खेमे में बॉल, लेकिन हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ से वापस से शॉट देते हुए, और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम के दरमियान, और दोनों ही टीमें एक ही ज़िले को रिप्रेजेंट करती हुई, लेकिन हमारे देहात के अंदर में है, देहाती स्टाइल के तरीके से मैच चलता हुआ दोनों ही, ओ बहुत ही बढ़िया, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए बाहर, और वापस हैंड पास करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स यहाँ पर, और देखना होगा बहुत ही बढ़िया पास आउट करने की कोशिश, लेकिन वापस से यहाँ पे अजीत की तरफ से फरसाबेड़ा के बहुत ही प्यारा हेड टैकल करते हुए, बहुत ही शानदार वहाँ पे गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम के दरमियान, और बहुत ही उम्दा पर वापस से यहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स के फरसाबेड़ा खेमे बॉल, ओ वाह क्या बात है, बहुत ही जानदार यहाँ पे शॉट, लेकिन उतना ही प्यारा यहाँ पे वापस, बहुत ही बढ़िया, देखना रोकना होगा यहाँ पे चांस बनता हुआ लेकिन वापस से वहाँ पे फरसाबेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से शॉट और सेंटर में बॉल जाता हुआ वहाँ पर, और वापस से वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ से हैंड पास करते हुए 10 नंबर साथी खिलाड़ी को, और बहुत ही बढ़िया वापस से हेलनपुर की तरफ से हैंड पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को, और वहाँ पे 8 नंबर प्लेयर बहुत ही उम्दा छेकने की कोशिश करते हुए वहाँ पर, और वाह क्या वहाँ पे फनी मूवमेंट चल रहा है, हल्का रुकते हुए प्लेयर्स, ओ वाह क्या बात है, उछल के बहुत ही शानदार वहाँ पे वापस से आरजे की तरफ से फरसाबेड़ा के प्लेयर्स शॉट, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा सेंट्रल से, उतना ही प्यारा वहाँ पे हेलनपुर की तरफ से हेड होल्ड करते हुए प्लेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया वापस से शॉट लेते हुए अपने साथी खिलाड़ी बैक फ्लिपर के पास बॉल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा गेम प्रदर्शन चलता हुआ वापस से यहाँ पे हेलनपुर के खेमे में बॉल, और देखना होगा क्या चांस बनता अपने साथी खिलाड़ी को फरसाबेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से, ओ बहुत ही बढ़िया हेलनपुर की तरफ से हेड टैकल करते हुए, देखना होगा बहुत ही शानदार यहाँ फिर से चांस बनता हुआ फरसाबेड़ा, लेकिन बॉल को ढकेलते हुए यहाँ पर, और दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर वापस यहाँ पे अजीत की तरफ से हैंड पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को, बहुत ही प्यारा हैंड टैकल किया हेलनपुर के 8 नंबर प्लेयर ने, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर, और वापस से वहाँ पे अजीत के तरफ से शॉट हैंड पास करते हुए बहुत ही बढ़िया, लेकिन बॉल फाउल करते हुए वहाँ पर मैदान के अंदर घुस गए थे, वापस से हेलनपुर की तरफ से अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पास आउट करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ दोनों टीम्स के दरमियान, और बहुत ही शानदार वहाँ सुबोध की तरफ से छेकने का कोशिश, देखना होगा बहुत ही प्यारा वहाँ पे, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से हेलनपुर की तरफ शॉट बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया, लेकिन वहाँ पे हल्के से फिसलते हुए प्लेयर्स हेलनपुर के, लेकिन वापस से 12 नंबर प्लेयर फरसाबेड़ा के, लेकिन सोल बहुत ही शानदार वहाँ पे उम्दा प्रदर्शन चलता हुआ, और दूसरा हाफ और दूसरे हाफ का भी कुछ ही क्षण बचे हुए हैं यहाँ पर, और वापस से यहाँ पे हेलनपुर की तरफ से शॉट बहुत ही प्यारा वहाँ पे हेड फुट स्टेप करते हुए, बहुत ही शानदार गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम के दरमियान, और वापस से वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स दौड़ाते हुए लेके जाते हुए अपने ही पाले हुए बॉल है अभी तक हेलनपुर के, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम्स के बीच में, और ये सेकंड राउंड का मैच है, और जो भी
सेकंड राउंड में हारेगी वो जरूर इस टूर्नामेंट को अलविदा कह देगी जो खोटी टोली सिमडेगा, खोटी टोली के कमेटी के द्वारा करवाया जा रहा है यहाँ पे। और बहुत ही शानदार वापिस से वहाँ पे हेड चेस करते हुए लेके हेलनपुर को एक फ्री किक मिलता हुआ, और इस फ्री किक का कितना भरपूर फ़ायदा उठा पाते हैं देखना होगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार यहाँ पे शॉट देखना होगा वो, लेकिन मिस आउट करते हुए, लेकिन सेंट्रल तक बॉल आती हुई वापिस से वहाँ पे, बहुत ही शानदार लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर प्लेयर्स, बहुत ही शानदार अपने साथी वन स्टेप करके रोका, लेकिन फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से वापस से ढकेला गया बॉल। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा प्रोसेस चलता हुआ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट, लेकिन उप कप्तान जेडी के पास बॉल और बॉल बाहर जाते हुए वापस से हेलनपुर की तरफ शॉट, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा, उतना ही प्यारा यहाँ टैकल करते हुए वापस से हेलनपुर की तरफ चेस्ट होल्ड करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पास आउट करने की कोशिश, वापस से आरजे की तरफ से शॉट मिलू के पास, वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार बैक फ्लिप शॉट देते हुए यहाँ पर उप कप्तान, यहाँ पर जेडी के पास बॉल, और देखना होगा दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स बहुत ही शानदार गहमा गहमी वापस से मिलू की तरफ से शॉट देते हुए यहाँ पर, और कैप्टन के पास बॉल, ओ यहाँ पे देखना बहुत ही शानदार पास आउट करते हुए कैप्टन के पास बॉल, देखना होगा क्या सीन हो बात है, बहुत ही शानदार, ओ लेकिन मिस आउट करते हुए यहाँ पर वापस से शॉट देते हुए, लेकिन हेलनपुर के प्लेयर्स वापस से वहाँ टैकल करते हुए, देखना होगा बहुत ही प्यारा हेड चेस करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स, बहुत ही शानदार गेम प्ले चलता हुआ वापस से, देखना होगा बैक फ्लिपर और 10 नंबर प्लेयर्स के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से छेकाछेकी चलता हुआ था, लेकिन वापस से वहाँ पे बैक फ्लिपर की तरफ से शॉट, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लेके जाते हुए, देखना होगा बहुत ही शानदार अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट करते हुए, देखना होगा बहुत ही प्यारा वहाँ पे नहीं होल्ड करते हुए, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए हेलनपुर के 14 नंबर प्लेयर्स की तरफ से, बहुत ही शानदार कोशिश अपने गोल पोस्ट तक ना बॉल पहुँचाने के लिए, और लेकिन बॉल बाहर जाते हुए, इसी के साथ फरसा बेड़ा कॉर्नर शॉट मिलता हुआ, और देखना होगा बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, लेकिन देखना वापस यहाँ गोल पोस्ट से दूर जाता हुआ बहुत ही प्यारा, लेकिन बॉल साइड एंगल से होते हुए बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से बहुत ही उम्दा शॉट देते हुए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ वापस से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स के पास बॉल, और दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स हेलनपुर के प्लेयर्स छीनने के लिए जाते हुए बहुत ही उम्दा शॉट दिया वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स की तरफ से, और फरसा बेड़ा के बॉल बहुत ही साथी खिलाड़ी बहुत ही स्पीड से दौड़ते हुए, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वापस से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स आरजे की तरफ से शॉट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारा शॉट देते हुए वहाँ पे प्लेयर्स, बहुत ही उम्दा हेलनपुर की तरफ से टैकल करते हुए, और दोनों ही टीमों के दरमियान बहुत ही शानदार अपने साथी, और वापस यहाँ पे फरसा बेड़ा गोलकीपर तरसिस जी के तरफ से बहुत ही शानदार शॉट देते हुए वापस से वहाँ पर ढकेलते हुए हेलनपुर के पास बॉल, और देखना होगा क्या सीन हो पाता, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, ओह वाह बहुत ही बढ़िया, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से फरसा बेड़ा की तरफ से शॉट, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, उतना ही प्यारा हेड टैकल करते हुए वहाँ पे हेलनपुर के प्लेयर्स, वापस से बैक फ्लिपर के पास बॉल, और देखना होगा यहाँ पे बहुत ही शानदार हेड टैकल करते हुए चेस करते हुए कैप्टन के पास बॉल फरसा बेड़ा के, और अपने साथी ओ उप कैप्टन, लेकिन यहाँ पर शायद बहुत ही उम्दा, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पास आउट करते हुए यहाँ पे वापस से हेलनपुर के तरफ से ढकेला गया बॉल, वन स्टेप रोका वापस से शॉट दिया फरसा बेड़ा के प्लेयर, उतना ही प्यारा नहीं होल्ड करते हुए हेलनपुर के प्लेयर्स, बहुत ही प्यारा शॉट फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ से, लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से हेलनपुर के पास बॉल, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन बॉल को शायद बाहर जाएगी और बाहर गई भी, वापस से हेलनपुर की तरफ से हैंड पास करते हुए यहाँ पे, और मिलू ने बहुत ही शानदार तरीके से हैंड पास कर वापस अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट करते हुए बहुत ही प्यारा वहाँ पे, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे हैंड पास होता हुआ और हेलनपुर को यहाँ पर शॉट मिलता हुआ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा यहाँ पे गेम चलता हुआ दोनों ही टीम्स के दरमियान, वापस से शॉट, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चलता हुआ दोनों ही टीम्स के बीच में, और हेलनपुर के पास बॉल अपने साथी खिलाड़ी को पास आउट करने की कोशिश, ओ लेकिन बॉल बाहर जाते हुए वहाँ पर वापस से फरसा बेड़ा के प्लेयर्स की तरफ शॉट, और इसी के साथ मैच का समापन होता हुआ, और फरसा बेड़ा यहाँ पर 1-0 की बढ़त के साथ इस मैच सेकंड राउंड का मैच जीतता हुआ और थर्ड राउंड में प्रवेश करता हुआ यहाँ पर, और हेलनपुर इस मैच में जीत से थोड़ा सा चूकता हुआ, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, और ज़रूर थोड़े कुछ गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों को आप सुधारिए, बेस्ट प्रदर्शन करिए, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया आप लोगों ने भी, बहुत ही उम्दा,
और फरसा बेड़ा के प्लेयर्स ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत उनको इस मैच में जीत प्राप्त हुई और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला। और इस मैच का अगर आप लोग कमेंट्री अच्छी लगी और मैच अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ऐसे ही मैच और भी देखने के लिए। सो लव यू आप सब लोग को और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले चला यहाँ पर। मेरी जिंदगी ना एक बंद किताब की तरह, कभी किसी ने इसको खोला नहीं, जिसने खोला उसने कभी पढ़ा नहीं और जिसने पढ़ा उसने कभी समझा नहीं, और जो समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं।